गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। जैसा कि कल हमने आपको स्टैटिक्स के एक्सरसाइज 14.1 की प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8, 5, 6, 7 आपको हमने बताया। प्रॉब्लम नंबर 8 बताना है। 8 बताने से पहले एक बार फिर हम आपको रिपीट किए दे रहे हैं कि मीन निकालने के 3 मेथड बताए हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा है एज्यूम मीन मेथड, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ये एज्यूम मीन मेथड है। और फिर तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, यानी स्टेप डेविएशन मेथड में मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच के फार्मूले से हम स्टेप डेविएशन मेथड निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि एक क्लास टीचर हैज फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्डेड टू 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एब्सेंट। मीन निकालना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40, ये आपका क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, यानी सिग्मा एफ आई आपका 40 आ गया। हम क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 6 + 0 = 2 यानी 3, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हाइट आपकी कितनी है, हाइट आपकी यहाँ पे 6 की है, ये आप 10 + 6 = 16 ½ हो जाएगा, 14 + 10 = 24 ½ हो जाएगा, 20 + 34 = 17 हो जाएगा ½, 28 + 20 = 48 यानी 24 हो जाएगा, 38 + 28 = 66 / 2 = 33 हो जाएगा, 40 + 38 = 78 = 39 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई 11 × 3 = 33, 10 × 8 = 87, 12 = 84, 4 × 17 = 68, 4 × 24 = 96, 33 × 3 = 99, 31 × 1 = 39 यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका 499 आ जाएगा। मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 499 / 40 यानी 12.47। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। मीन लिटरेसी रेट निकालना है। लिटरेसी रेट आपका इतना 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, 10, 11, 8, 3 यानी सिग्मा एफ आई आपका 35। क्लास मार्क हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्लास इंटरवल से निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ये आपका हो जाएगा 45 + 55 / 2 यानी 100 / 2 = 50। चूंकि हाइट 10 है तो 10 ऐड करते हम चले जाएंगे 60, 70, 80, 90। एज्यूम मीन निकालेंगे, 2 ऊपर से लेफ्ट करेंगे, 2 नीचे से लेफ्ट करेंगे, मिडिल वाला आपका जो है एज्यूम मीन होगा 50 - 70 - 20 डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, टोटल एक्स आई है और ए आपका 70 है, तो आपका 50 - 70 - 20, 60 - 70 - 10, 70 - 70 - 0, 80 - 70 - 10, 90 - 70 - 20। फिर हम यू आई निकाल लेंगे, यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच, 20 - 20 / 10 - 2 - 10 / 10 - 1 - 0 / 10 - 0 - 10 / 1 - 20 / 10 / 2। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई, एफ आई 3 है, यू आई -2 है -6, 10 - -10, 11 - 0 = 0, 8 - 8
टू थ्री ज सिक्स, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस टू आ गया। कैसे? माइनस सिक्सटीन प्लस फोर्टीन माइनस टू, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए इज यू मीन सेवेंटी प्लस माइनस टू बाई थर्टी फाइव इंटू टेन, फाइव टू ज फाइव सेवन ज सेवेंटी माइनस फोर बाई सेवन, सेवेंटी माइनस पॉइंट फाइव सेवन, सिक्सटी नाइन पॉइंट फोर थ्री परसेंट। फिर हम आपको बताएंगे मोड के बारे में। मोड बहुलक को कहते हैं, इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोड बाई लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज। हेयर वी कैन ओनली लोकेट ए क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड ए मॉडल क्लास। द मोड इज द वैल्यू इन साइड द मॉडल क्लास फाइंड इज गिवेन बाई फार्मूले। निम्नलिखित फार्मूले से हम मोड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, वेयर एल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एच साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ जीरो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एफ टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। यानी मोड निकालने का जो फार्मूला बताया गया, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाएंगे 14.2 में। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा गिवेन अबव। तो पहले हम मोड निकालेंगे, एज इन ईयर 5 टू 10, 15, 15 टू 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55, 55 टू 65। नंबर ऑफ पेशेंट यानी फ्रीक्वेंसी 6, 11, 21, 23, 14, 5। अच्छा, F1 निकालने के लिए हम सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। ये है यार, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23, F1 इज इक्वल टू 23, तो ये आपका F1 होगा, इसके प्रोसीडिंग पे F0 होगा, F0 21 होगा, सक्सीडिंग पे F2 होगा यानी 14 होगा। तो H की वैल्यू तो 10 हो गई, हाइट क्लास इंटरवल के बीच की 10 है, F0 21 हो गया, F1 23 हो गया, F2 14 हो गया, और लोअर लिमिट ये F1 के सामने की लिमिट, लोअर लिमिट ये अपर है ये लोअर है, लोअर लिमिट 35 हो गई। फार्मूले में इसको पुट कर देंगे, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, यानी 35 प्लस 23 माइनस 21 बाई टू इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10, यानी 35 प्लस 2 इंटू 10 बाई 11, यानी 35 प्लस 20 बाई 11, 35 प्लस 1 बाई 0.8 यानी 36.8। अब इसी का मीन हम निकालेंगे, मीन में देखें एज इन ईयर 5 टू 15, 15 टू 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55, 55 टू 65। नंबर ऑफ पेशेंट 6, 11, 21, 23, 14, 5, यानी सिग्मा एफ आई आपका 80 हो गया। क्लास मार्क यानी एक्स आई निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 5 प्लस 15 बाई 2 यानी 20 बाई 2, 10, 10 10 की डिफरेंट है 20, 30, 40, 50, 60, ये आपका हो जाएगा। फिर हम डी आई एक्स आई माइनस ए, यानी ये आपका एज्यूम मीन आपका 40 होगा, तीन ऊपर से दो नीचे से छोड़ देंगे, 40 होगा। 10 माइनस 40 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20। अब हम निकालेंगे यू आई डी आई बाई एच, 30 बाई 10 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। फिर हम आपको निकालेंगे एफ आई यू आई, 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18, 11 इंटू माइनस 2 22, 21 माइनस 1 माइनस 21, 23 इंटू 0 0, 14 इंटू 1 14, 5 इंटू 2 10, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 37 आया। फार्मूले में फिट कर देंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, 40 प्लस माइनस 37 बाई 80 इंटू 10, 10 वन द 10 एट द 40 माइनस 4.463 यानी 30.35.37।